श्रीकांत जी, सर आप तो हमारे पुराने प्रगतिशील किसान है कंपनी के, काफी अच्छा लगाते हैं। अरे पिछले साल भी हम खेत पर आपके आए थे, विजिट किए हुए थे, तो एक हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो में सबसे पहले मैं परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम आरडी पांडे हुआ, मैं वेलकम क्रॉप साइंस की तरफ से आया हुआ हूं, और ये गांव है आरा जिले का, कौन सा गाँव, बहियारा, और यहाँ के प्रगतिशील किसान है हमारे लक्ष्मीकांत जी, जो पिछले साल अपना 367 मूली लगाए थे, इस बार इन्होंने मूली लगाया, कौन सा मूली लगाया सर ये? वेलकम का 202 मूली लगाए हुए हैं, डब्बा इसके साथ रखे हुए हैं, ये डब्बा है वेलकम का, 202 मूली लगाए हुए हैं। कब लगाए हुए थे सर ये? लगाए थे 15 पिछले महीना 15 को, पिछले महीने के 15 जुलाई को आपने लगाया था, ठीक है ना? और आज हो गया ये, अठारह अगस्त हो गया, मैंने 33 दिन की मूली हो गई। और देखिए मूली की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मूली तैयार होने के बाद में जमीन से काफी ऊपर उठ जाती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मूली तैयार होने के बाद में जमीन से 2.5 से 3 इंच ऊपर उठ जाती है। ये मूली हम लोग देख रहे हैं कि मूली 2.5 से 3 इंच जमीन के ऊपर कर रही है। अच्छा, मार्केट में आप जा रहे हैं, कैसा रेट मिल रहा है इसका? रेट अच्छा है, पर काफी धूप है, अगर धूप नहीं होता तो थोड़ा सा मूली की साइज और बेटर हो सकती थी। पानी मिलता तो और साइज बेटर होता, पानी मिलता तो और ये साइज बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इसकी मूली की जो साइज है, ये 19-20 सेंटीमीटर है, 19 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मोटाई भी अच्छी है, चमक भी अच्छी है, मार्केट में लोग अच्छा इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे साथ में किसान बीज बोर्ड फूड के प्रोप्राइटर पीयूष कुमार जी। पीयूष कुमार जी, कैसा लग रहा है मूली आपको? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो जवाब नहीं है, दूसरे कंपनियों का भी आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसके जैसे कोई पा रहे हैं? इससे बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया कोई किसी कंपनी का मूल्य अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कहा सर लक्ष्मीकांत जी? नहीं, इससे अभी बेटर, अभी उपलब्ध नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है। तो 367 भी लगाए थे, फिर अभी और ठंडे मौसम आएगा तो फिर 367। अच्छा, तो ठंडा आएगा तो लगाएंगे उसको, सितंबर में लगाएंगे। अच्छा, गर्मी